हेलो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको सब टॉपिक में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला जो सब टॉपिक है वो है बैक बॉन्डिंग। ठीक, बैक बॉन्डिंग क्या होता है? बैक बॉन्डिंग बेसिकली एक पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। अब रहिए, दो शब्द आ गए, दो वर्ड आ गए, एक तो होगा पाई, एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पहले तो हमको, मैं आपको बताऊंगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है। जब आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझ लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि पाई या सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। तो सबसे पहले यार, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कंडीशन क्या होती है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब बनता है जब हमारे पास दो मॉलिक्यूल हो जिसमें एक डोनर एटम की तरह बिहेव करे और एक एक्सेप्टर एटम की तरह बिहेव करे। डोनर मॉलिक्यूल क्या होता है? जिसमें लोन पेयर हो। एक्सेप्टर मॉलिक्यूल क्या होता है? जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर ले या जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो। ठीक है, तो यहां पर देखो ध्यान से, बी से डोनर को रिप्रेजेंट किया है और ए से एक्सेप्टर को रिप्रेजेंट किया है। ठीक, डोनर और एक्सेप्टर, डोनर के पास लोन पेयर है और वो एक्सेप्टर को इस तरह से उसको कोऑर्डिनेट कर सकता है। तो भाई, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड का नाम होता है सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्यों सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड? क्योंकि देखो, सिंगल, ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिख रहा है आपको वो सिंगल बॉन्ड है, इसलिए उसको सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। अगर मैं पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करूं तो ध्यान से देखो, पाई बनने के लिए एक सिग्मा बनना जरूरी होता है। यहां एक सिग्मा बन गया, सिग्मा बनने के बाद देखो ये पाई बॉन्ड बन गया। तो ये पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसलिए कहा जा रहा है कि एक तो पाई बॉन्ड है और दूसरा डोनर एक्सेप्टर के बीच में बना हुआ है, इसलिए इसको पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए एक स्पेशल नेम और देते हैं, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैक बॉन्डिंग। अच्छा बच्चों, अब थोड़ा सा एग्जांपल लेकर समझते हैं। अमोनिया लिया एक मॉलिक्यूल, BF3 लिया दूसरा मॉलिक्यूल। अगर इस दोनों मॉलिक्यूल गौर से देखें तो अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। अगर लोन पेयर है तो किसकी तरह काम कर सकता है? डोनर की तरह। किसकी तरह? डोनर की तरह। ठीक है भाई, अगर मैं BF3 की बात करूं तो BF3 में अगर आप बोरॉन के अराउंड इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन आए, मतलब ऑक्टेट इसका क्या हो जाएगा बेटा? इनकम्प्लीट है। तो जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो एक्सेप्टर की तरह बिहेव कर सकता है, और जो इलेक्ट्रॉन रिच है या जिसके पास लोन पेयर है वो डोनर की तरह बिहेव कर सकता है। तो अब हमारे सिस्टम में डोनर भी है, एक्सेप्टर भी है, तो क्या एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है? जी हाँ, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बन गया, लेकिन अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड का टाइप सोचो क्या है। देखो ध्यान से, यहां पर जो बॉन्ड है वो सिंगल, क्या है? सिंगल है, इसलिए अपन सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे। और सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड को क्या बैक बॉन्ड बोल सकते हो? नहीं, इसको बैक बॉन्ड नहीं बोलते, क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि केवल और केवल पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही अपन बैक बॉन्ड बोलेंगे। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है। अगर मैं BF3 मॉलिक्यूल को इंडिविजुअली चेक करूं तो मुझे लग रहा है कि यार, थोड़ा सा ध्यान से देखो इसको, तो बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट दिखता है हमें। एट द सेम टाइम हमें ये दिखता है कि फ्लोरीन के पास लोन पेयर है। तो क्या विद इन मॉलिक्यूल भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी है? पूरी पॉसिबिलिटी है, बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो बेटा ये ध्यान से देखो, यहां पर एक बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक, एक बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ, उसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, उसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, तो इसको अपन बोलते हैं पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड को दूसरा नाम बार बार बोल रहा हूं, बैक बॉन्ड बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया बात? ठीक है, अगर मैं BF3 को थोड़ा और ध्यान से देखूं तो यहां पर तीन फ्लोरीन रेडी है, यहां पर तीन फ्लोरीन रेडी है। किसके लिए, किस काम के लिए? जाहिर सी बात है, डोनेट करने के लिए। तो बैक बॉन्डिंग तीनों में इक्वली होगी। बैक बॉन्डिंग तीनों में क्या होगी बेटा? इक्वली होगी। अच्छा, अगर इक्वली बैक बॉन्डिंग होगी तो उसको हम कैसे दिखा सकते हैं? देखो इस तरह से, ठीक है, इक्वली बैक बॉन्डिंग हो रही है। तो इससे रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट यही होगा कि यार, इसमें रेजोनेंस लाइक कंडीशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी? रेजोनेंस लाइक कंडीशन। अच्छा, और अगर हम लोग पर बॉन्ड बैक बॉन्डिंग देखें तो हर बॉन्ड के हिस्से में 33% बैक बॉन्डिंग आ रही है। ठीक, अब रिजल्ट क्या है? रेजोनेंस जैसा कंडीशन हो गया। अब रेजोनेंस जैसा कंडीशन हो गया, तुम्हें दिख रहा होगा कि जो कभी हमें सिंगल बॉन्ड दिखाई देता था, सिंगल बॉन्ड, इनफैक्ट वो पार्शियल डबल बॉन्ड है। तो पार्शियल डबल बॉन्ड मतलब बॉन्ड का नंबर क्या है? इंक्रीज कर रहा है। तो बॉन्ड का नंबर इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा, और इवेंचुअली पूरे कंपाउंड स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, इतना समझने के बाद एक बात मैं आपको और बता दूं कि हमें बैक बॉन्डिंग अगर समझना है तो उसकी कंडीशन को बहुत ध्यान सोचना पड़ेगा, बहुत केयरफुली।
क्योंकि अगर हमें बैंक बॉन्डिंग कब होगा कब नहीं होगा इसका आइडिया नहीं होगा तो हम इसके एप्लीकेशन को समझ नहीं पाएंगे। तो नेक्स्ट जो समझना है आपने को वो है कंडीशन ऑफ बैंक बॉन्डिंग। तो फर्स्ट कंडीशन बैंक बॉन्डिंग क्या है, बी के पास लोन पेयर होना चाहिए। बी क्या होता है मैंने बता दिया है डोनर। ए के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। ए क्या होता है एक्सेप्टर, एक्सेप्टर के पास क्या होना चाहिए वैकेंट ऑर्बिटल सो दैट इट कैन रिसीव लोन पे। ओके अब यार वैकेंट ऑर्बिटल किसके किसके पास हो सकता है, देखो अगर एलिमेंट सेकेंड पीरियड का है तो उसको वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट करने के लिए या एक्सेप्टर की तरह बिहेव करने के लिए ऑप्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए ठीक। लेकिन अगर थर्ड पीरियड या उसके नीचे वाले एलिमेंट की बात किया जाए तो उनके पास ऑलरेडी वैकेंट ऑर्बिटल होता है तो वो ऑप्टेट कंप्लीट होने के बाद भी रिसीवर या एक्सेप्टर की तरह काम कर सकते हैं ठीक। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है बच्चे, नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि भाई ये कंडीशन तो हम लोग जानते हैं समझे, इस कंडीशन को ध्यान से देखो। थर्ड कंडीशन डोनर या एक्सेप्टर, डोनर या एक्सेप्टर में से कोई एक एटलीस्ट कोई एक कहां का होना चाहिए सेकेंड पीरियड का होना चाहिए। क्योंकि पाई बॉन्ड जो पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है या जो बैक बॉन्ड बन रहा है वो पाई बॉन्ड ही है और पाई बॉन्ड में हम लोग बहुत बड़े ऑर्बिटल का यूज नहीं कर सकते बेटा। अगर बहुत बड़े ऑर्बिटल का यूज करेंगे या हाई सेल नंबर वाले ऑर्बिटल यूज करेंगे तो बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है या ओवरलैपिंग का स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगा जिससे बॉन्ड इफेक्टिव नहीं बन पाएगा या बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। हाँ तो बच्चों कंडीशन ऑफ बैक बॉन्डिंग हमने देख ली, अब हमको पढ़ना है कि बैक बॉन्डिंग का प्रेजेंस कहाँ है कहाँ अब्सेंस है ठीक है। तो जो अपनी हेडिंग है वो है क्या, प्रेडिक्शन ऑफ प्रेजेंस ऑफ बैक बॉन्डिंग। तो उसमें पहला जो आयन लिया वो है BF4-1 ठीक है। इसमें चेक करना है कि बैक बॉन्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो बैक बॉन्डिंग हो रही है नहीं हो रही है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसका ये है कि हम लोग बस ये देख लें कि मॉलिक्यूल में डोनर एक्सेप्टर सेम मॉलिक्यूल या आयन में डोनर एक्सेप्टर है कि नहीं है ठीक है। अगर ऐसा है या जो अपन तीन कंडीशन पढ़े थे अगर वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम लोग बड़े आराम से बोल सकते हैं कि आयन या मॉलिक्यूल में बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार जो जितनी कंडीशन हमने पढ़ी है उसमें से कोई भी एक ऐसा है जो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो हम लोग कहेंगे कि बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं। अपने पास पहले पहले जो लिखा हुआ है वो BF4-1 आयन लिखा हुआ है ठीक है जी। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओ आप तो आपको ऐसा लगेगा बोरॉन पे एक माइनस वन रख लिया फिर फ्लोरीन फ्लोरीन अरेंज कर लिया। अब थोड़ा चेक करते हैं, स्ट्रक्चर बनाने के बाद चेक करते हैं कि इसमें बैक बॉन्डिंग अकर कर सकती है या नहीं। तो सबसे पहले हमने देखा कि यार फ्लोरीन, फ्लोरीन की तरफ देखा तो फ्लोरीन लोन पेयर लेकर तैयार है। तो इसका मतलब फ्लोरीन लोन पेयर लेकर तैयार है मतलब क्या, डोनर की तरह एक्ट करने के लिए तैयार है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोरॉन एक्सेप्टर करने के लिए रेडी है, क्या एक्सेप्टर की तरफ वर्क करने के लिए रेडी है। तो अगर इस आयन में हम लोग देखें ध्यान से तो बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है। बच्चों एक बार सुन लो ध्यान से, अगर सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है तो वो कभी भी एक्सेप्टर की तरह बिहेव नहीं करेगा, किसी भी हालत में नहीं करेगा ठीक है। तो अब यार यहां इसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो डोनर तो रेडी है डोनेट करने के लिए, एक्सेप्टर रेडी नहीं है तो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई ना। तो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो इसका मतलब बॉन्डिंग नहीं होगा। नेक्स्ट चेक करते हैं BCl3 स्ट्रक्चर बना लिया और देखा कि जो क्लोरीन है उसके पास लोन पेयर है। अगर क्लोरीन के पास लोन पेयर है तो क्या वो डोनर की तरह काम करने के लिए तैयार है, ठीक है रेडी टू एक्ट फॉर डोनर। उसके बाद क्या है, अगर हम लोग ध्यान से देखें बोरॉन के बाद तो बोरॉन अगर इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो तो बोरॉन के अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन है ठीक है। और अगर 6 इलेक्ट्रॉन है बच्चों तो इसका मतलब क्या है, सेकेंड पीरियड का एक एलिमेंट हमें मिल गया जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। और अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है इसका सीधा सा मतलब वो एक्सेप्टर की तरह काम करने के लिए क्या है रेडी। तो डोनर भी तैयार एक्सेप्टर भी रेडी, क्या बैक बॉन्डिंग हो सकता है, जी हाँ बैक बॉन्डिंग हो सकता है और हमने दिखा दिया। नेक्स्ट CH3 2O स्ट्रक्चर बना लिए, देखा कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर आते ही अपनी पहली कंडीशन फुलफिल हो गई कि मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर कंटेन करने वाला एटम है मतलब डोनर एटम तो है तो डोनर हो गया। क्या एक्सेप्टर की तरह काम करने वाला कोई एटम है क्या,
तो जब हम लोग देखे ध्यान से CH3 में, तो CH3 बिलोंग मतलब कार्बन जो है CH3 का कार्बन बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड, और ध्यान से स्ट्रक्चर को देखो तो यहां पर कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। बार बार मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूं कि अगर सेकेंड पीरियड का एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका है तो इट कैन नेवर एक्ट एज एक्सेप्टर, ठीक। तो एक्सेप्टर तरह बिहेव नहीं करेगा, तो इसका मतलब डोनर तो है बट एक्सेप्टर नहीं है, इसलिए क्या बैक बॉन्डिंग हो सकती है? नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, FiCl4। तो अगर FiCl4 की बात किया जाए तो बहुत ध्यान से देखना FiCl4 में, तो स्ट्रक्चर बना लिए, तो हमने देखा यार क्लोरीन के पास तो लोन पेयर है तो इसका मतलब है कि डोनर तो प्रेजेंट है। सिलिकन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इससे पहले भी बात हो चुकी है कि थर्ड पीरियड का एलिमेंट या उसके नीचे का एलिमेंट हमेशा वैकेंट ही कंटेन करते हैं, इसका मतलब ये रेडी है किसकी तरह काम करने के लिए, एक्सेप्टर की तरह। तो अपने पास डोनर भी है एक्सेप्टर भी है, डोनर एक्सेप्टर दोनों हो हैं तो जाहिर सवाल मन में बहुत अच्छा लगता है कि बैक बॉन्डिंग हो सकती है। लेकिन एक कंडीशन और था जो मैंने आपको बताया था कि डोनर या एक्सेप्टर में से कोई एक सेकेंड पीरियड का होना चाहिए। अगर आप यहां ध्यान से देखो तो डोनर भी थर्ड पीरियड का है और एक्सेप्टर भी थर्ड पीरियड का है, तो ऐसी कंडीशन में बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकती, तो यहां बैक बॉन्डिंग नहीं है। अब बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, FiS3 होल ट्वाइस हो स्ट्रक्चर बनाया, देखा कि ऑक्सीजन के पास तो लोन पेयर मिल गया हमें, ऑक्सीजन के पास क्या लोन पेयर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल गया भाई, तो लोन पेयर मिल गया। क्या उसके जो एडजेसेंट एटम है सिलिकन, क्या इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है? जी हाँ वैकेंट ऑर्बिटल है। तो अपने पास लोन पेयर भी है और वैकेंट ऑर्बिटल कंटेनिंग एटम भी है, तो इसका मतलब डोनर भी है एक्सेप्टर भी है। तो क्या डोनर एक्सेप्टर दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई तो क्या बैक बॉन्डिंग हो जाएगी? ना बिल्कुल हो जाएगी। नेक्स्ट है CF3-1, इसका भी स्ट्रक्चर बना लिया, इसमें हमने देखा कि डोनर तो दिख रहा है, लेकिन अगर फ्लोरीन की तरफ देखें, फ्लोरीन की तरफ देखें तो हमें लग रहा है कि यार फ्लोरीन का सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और ऑक्टेट कंप्लीट है तो एक्सेप्टर की तरह काम नहीं कर सकता। प्रेजेंस या अब्सेंस प्रेडिक्ट करने के बाद अब नंबर है इस बात का या पढ़ना ये चीज है कि एप्लीकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग क्या है या कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बैक बॉन्डिंग क्या है। मतलब अगर कंपाउंड में या आयन में या मॉलिक्यूल में बैक बॉन्डिंग अकर कर रही है तो वो मॉलिक्यूल या आयन की प्रॉपर्टी पे कैसा असर छोड़ेगी, ठीक है। तो पहला जो इम्पैक्ट है, पहला जो एप्लीकेशन है वो ये है कि अगर बैक बॉन्डिंग हो रही है मॉलिक्यूल में या आयन में तो उसका बॉन्ड रेडर बढ़ेगा, तो क्या होगा बॉन्ड रेडर बढ़ेगा, और दूसरी चीज क्या होगा बॉन्ड रेडर बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है बॉन्ड लेंथ डिक्रीज चली जाएगी, ठीक है। अच्छा अब मान लो एग्जाम्पल को कैसे समझते हैं, BF3 लिया और BF4- लिया, अब इसमें हम लोग कंपेयर क्या करने जा रहे हैं, BF बॉन्ड लेंथ, क्या कंपेयर करने जा रहे हैं BF बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो अगर तुम BF3 को जानते देखो तो BF3 में अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर बैक बॉन्डिंग की सारी कंडीशन लगाओगे तो बैक बॉन्डिंग की सारी कंडीशन को ये BF3 फुलफिल करता है, मतलब इसमें बैक बॉन्डिंग होगी, ठीक। और इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है क्योंकि आपको पता है कि अगर यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा तो बैक बॉन्डिंग नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्टर ऑब्सेंट है, ठीक। तो अगर यहाँ पर बैक बॉन्डिंग हो रही है तो जाहिर सी बात है बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, यहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा क्योंकि बैक बॉन्डिंग और बॉन्ड लेंथ में इनवर्स रिलेशन होता है, यहाँ पर बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ बैक बॉन्डिंग हो रही है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, ठीक। इसका मतलब क्या है BF3 और BF4- में इन दोनों में अगर कंपेरिजन किया जाए तो इसमें बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगा, ठीक है। पर मैं जहां पर बैक बॉन्डिंग नहीं होगी वहां पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, जहां बैक बॉन्डिंग हो जाएगी वहां बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट एक अच्छा एग्जांपल है अपने पास BF3 और BF2NH2 का, ठीक है ना। तो कहानी ये है बच्चों कि इसका भी स्ट्रक्चर बना लो, इसका भी स्ट्रक्चर बना लो। अब इसमें देखो क्या सभी में इक्वल बैक बॉन्डिंग हो रही है, सब में कितनी बैक बॉन्डिंग हो रही है, इक्वल बैक बॉन्डिंग कितनी हो रही है 33% बैक बॉन्डिंग। लेकिन अगर इस कंपाउंड की बात करें BF2.NH2 की तो नाइट्रोजन भी बैक बॉन्डिंग कर सकता है किसके साथ, बोरॉन के साथ, क्यों, ये डोनर एटम है, यहाँ पे लोन पेयर है तो आराम से बैक बॉन्डिंग कर सकता है, ठीक है। अब मुद्दा ये है कि क्या अब भी जो बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ है, बैक बॉन्डिंग अमाउंट है वो 33% रहेगा या उससे कुछ कम या ज्यादा रहेगा,
तो जो नाइट्रोजन का ईएन होता है, नाइट्रोजन का ईएन फ्लोरीन से कम होता है, नाइट्रोजन का ईएन फ्लोरीन से कम होता है, तो जिसका ईएन कम होता है उसमें डोनर नेचर ज्यादा होता है। क्यों? अगर उसका ईएन कम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन को कम होल्ड करेगा, इजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो यहां पर बैक बॉन्डिंग ज्यादा हो रही है फ्लोरीन कंपैरिजन में। या हम कह सकते हैं कि 33% के कंपैरिजन में यहां पर बैक बॉन्डिंग ज्यादा हो रही है। तो अगर यहां पर बैक बॉन्डिंग ज्यादा हो रही है तो जाहिर सी बात है इसके साथ बैक बॉन्डिंग कम हो जाएगी 33% के रेशियो में। यहां पर 33% मान कम है तो यहां पर लेस देन 33% हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि यहां पर बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी। ठीक है, तो अगर यहां पर बैक बॉन्डिंग कम हो गई बच्चों इस बॉन्ड के साथ, तो क्या बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा? तो हमें समझ में आ गया कि इनमें बॉन्ड स्ट्रेंथ इसमें कम हो जाएगा, इसमें ज्यादा हो जाएगा। और उसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो, मैंने यहां पर लिखा भी है, लेस बॉन्ड बैक बॉन्डिंग इन बीएफ बॉन्ड। ऑब्वियसली अपन देख रहे थे कि बीएफ बॉन्ड में लेस बैक बॉन्डिंग है, 33% से कम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो बीएफ बॉन्ड स्ट्रेंथ है इसमें भाई बैक बॉन्डिंग कम हो गई तो क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इसमें कम है इसमें ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि थर्ड एग्जांपल को देखते क्या है, थर्ड एग्जांपल में क्या पूछ रहा है। तो BF3, BCl3, BBr3, Bi3, ठीक है, इनमें कंपैरिजन करना है LAS, मतलब लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ, लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। ठीक है भाई, तो अब देखो लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ यहां पर लिखा है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर किसी एटम पर इलेक्ट्रॉन का डिफिशिएंसी ज्यादा है तो सामने वाले से ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर इजिली एक्सेप्ट करता है उसको अच्छा लुईस एसिड बोलते हैं। देखो लुईस एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो जितना जल्दी कोई इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा क्या उसको हम अच्छा लुईस एसिड बोलेंगे? बिल्कुल अच्छा लुईस एसिड बोल सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी को डोनेट नहीं किसी को एक्सेप्ट करना है, अगर किसी को इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना है तो क्या होना चाहिए, उसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी ज्यादा होना चाहिए। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने में टेंडेंसी होगी और उतना ही ज्यादा लुईस एसिड स्ट्रेंथ होगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने टेंडेंसी, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने टेंडेंसी होगी लुईस स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। अगर इसमें कंपेयर किया जाए तो देखो यहां पर आपको BF3, BCl3, BBr3, Bi3, BBr3, Bi3 में आपको केवल हैलोजन डिफरेंट दिख रहा होगा, बोरॉन तो हर जगह बोरॉन है, डिफरेंट है हैलोजन। जब हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं बच्चों तो डोनर प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है। डोनर प्रॉपर्टी क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्यों? लुईस बेसिक स्ट्रेंथ नीचे जाने पर क्या होता है? डिक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम जाओगे तो क्या होगा? साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्पर्स हो जाएगी, डिलोकलाइज हो जाएगी, तो डोनेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए क्या कहते हैं कि भाई जब हम लोग टॉप टू बॉटम जाएंगे फ्लोरीन से लेकर के आयोडीन की तरफ तो डोनर प्रॉपर्टी हैलोजन की डिक्रीज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जाएगी। अच्छा, तो अब डोनर प्रॉपर्टी अगर कम हो गई तो जाहिर सी बात है एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग भी कम हो जाएगी, और एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग कम हो जाएगी तो बैक बॉन्डिंग से क्या मिल रहा था? इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो रहा था। अगर आप ध्यान से देखो बैक बॉन्डिंग के थ्रू फ्लोरीन क्लोरीन या ब्रोमीन सब के सब बोरॉन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे थे। अगर बैक बॉन्डिंग ही कम हो जाएगा तो क्या इलेक्ट्रॉन सप्लाई बोरॉन पर कम हो जाएगी? तो क्या बोरॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा तो लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो कंक्लूजन ये निकला कि जहां पर बैक बॉन्डिंग या बोरॉन के जिस कंपाउंड में बैक बॉन्डिंग सबसे कम होगी वहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी अगर ज्यादा हो जाएगी तो जाहिर सी बात है उसका लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। ओके बच्चों, जो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एप्लीकेशन पोर्शन में वो है कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। मतलब हमने दो कंपाउंड ले लिए, एक क्लोरोफॉर्म आप जानते होंगे और ये क्या है फ्लोरोफॉर्म। अब इन दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए जो वंडा होता है वो ये होता है कि अगर लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ अलग चीज होती है, ये यहां पर देखो यहां पर दोनों में से कोई लुईस एसिड नहीं है। ठीक है, ये सिंपल एक्सप्लस देने वाले एसिड्स हैं। ठीक, तो एक्सप्लस जो प्रोवाइड करने वाले एसिड होते हैं उनका एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करते हैं?
तो सिंपल समाधान इनका ये होता है कि आप इन दोनों इनमें से एच प्लस निकालो। तो यहाँ से भी आपने एच प्लस निकाल लिया, ठीक है, और यहाँ से भी एच प्लस निकाल लिया। तो दोनों जगह से जो एच प्लस मिलता निकलता है उसके बाद जो बनता है उसको ऊपर बोलते हैं कंजुगेट बेस, ठीक। तो ये जो सी सी एल थ्री माइनस सी सी है इसको बोलते हैं अपन क्या कि भाई ये भी कंजुगेट बेस हो गया और सी एल थ्री माइनस भी क्या हो गया, कंजुगेट बेस हो गया। तो आप सिंपल सा तरीका ये होता है कि अगर आपको दो एसिड का एसिड स्ट्रेंथ कंपेयर करना है तो आप उनके रेस्पेक्टिव कंजुगेट बेस बना दो, ठीक। तो हमने बना लिया कंजुगेट बेस। कैसे कंजुगेट बेस बनाते हैं, एसिड में से एच प्लस निकाल करके, तो इससे भी एच प्लस और इससे भी एच प्लस निकालो और कंजुगेट बेस बना डाला। अब कंजुगेट बेस बनाने के बाद क्या चेक करेंगे, स्टेबिलिटी चेक करते हैं। क्या करते हैं, कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी। जिसका कंजुगेट बेस, जिस एसिड का भी कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल आएगा उसका रेस्पेक्टिव एसिड ज्यादा एसिडिक होता है। तो दो कंजुगेट बेस हमारे सामने हैं, अब दोनों का स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं। तो ध्यान से देखो, CCl3 माइनस वन में बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है, क्या CF3 माइनस में बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा, नहीं होगा, ठीक। तो जिसमें बैक बॉन्डिंग है, क्या बैक बॉन्डिंग तरह से रेजोनेंसी होता है, तो जिसमें भी बैक बॉन्डिंग है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, तो यहाँ इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इस पर्टिकुलर आयन के लिए स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो मतलब कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए फ्लोरोफॉर्म फ्लोरोफॉर्म की कंपेरिजन में ज्यादा एसिडिक होगा। समझ में आया? तो कुल मिलाकर यही हो गया कि भाई रेस्पेक्टिव एसिड्स का कंजुगेट बेस बनाओ, जिसका कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल आएगा वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, ठीक। अब यार एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज आती है इसको समझने के लिए, देखें नोट। कहते हैं कि अगर, तो मैं समझा देता हूं कि भाई अगर कोई कंपाउंड ऐसा है जिसमें बैक बॉन्डिंग हो रही है और एक कंडीशन में आपको और दूं कि जो बैक बॉन्डिंग में डोनर एटम है वो सेंटर एटम है, तो ऐसे केस में स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल का चेंज जाता है। आपको अगर कैसे चेंज जाता है, भाई अगर मान लो डोनर एटम सेंटर एटम बन गया तो जो लोन पेयर बैक बॉन्डिंग या रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है उसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन काउंट करते समय इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इग्नोर कर देते हैं। अब इग्नोर करने के बाद क्या होगा, जाहिर सी बात जब इग्नोर करेंगे डोनर लोन पेयर को तो जाहिर सी बात है कि स्टेरिक नंबर भी बदलेगा, और अगर स्टेरिक नंबर बदलेगा तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज कर जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज ऑल्सो चेंज ड्यू टू बैक बॉन्डिंग और रेजोनेंस इफ डोनर एटम इज सेंटर एटम। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर ट्राई मिथाइलेमीन ले लिया और यहाँ पर मैंने क्या लिया, ट्राई सिलाइलेमीन। अब जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर बैक बॉन्डिंग नहीं है, क्यों नहीं है बैक बॉन्डिंग, भाई डोनर तो है लेकिन एक्सेप्टर नहीं, तो यहाँ बैक बॉन्डिंग अब्सेंट है। यहाँ डोनर भी है एक्सेप्टर भी है थर्ड पीरियड का, तो यहाँ बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। जहां भी बैक बॉन्डिंग हो गई, अगर यहाँ पर बैक बॉन्डिंग हो गया तो ध्यान देना ये जो लोन पेयर जो बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहा है उसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। तो अब देखो ध्यान से, इसका स्टेरिक नंबर निकालते समय देखो, जब लोन स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं, लोन पेयर का सिग्मा बॉन्ड से, तो हमने जो लोन पेयर है उसको देखो इग्नोर करके जीरो लिख दिया, ठीक, और जो अपना सिग्मा बॉन्ड है इसका वो थ्री सिग्मा बॉन्ड हो गया, तो सम कितना आएगा थ्री, और जब स्टेरिक नंबर का सम थ्री आता तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। लेकिन यहां देखो ध्यान से, यहां कोई बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है, तो यहां पर बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही इसलिए ये लोन पेयर को हम लोग स्टेरिक नंबर काउंट करते समय इसको भी लेंगे, इसको भी काउंट करेंगे। तो जब काउंट करेंगे तो देखो वन लोन पेयर प्लस थ्री सिग्मा बॉन्ड फोर है sp3। तो कहीं ना कहीं हम लोग देख सकते हैं कि अगर लोन पेयर रेजोनेंस में है या बैक बॉन्डिंग में है, ठीक है, तो उसको हम लोग इग्नोर करते हैं और एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं इस बात का कि अगर बैक बॉन्डिंग में डोनर एटम सेंट्रल एटम हो गया या सेंट्रल एटम डोनर का बिहेव कर रहा है तो ऐसे केस में हाइब्रिडाइजेशन डेफिनेटली चेंज होगा, ठीक है। समझ में आया?